क्या तुझको दिलाए तेरा पैमाना जाना अब तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। नूर, तुम मायरा के साथ रहती हो ना, कैसी है वो? वो तो ठीक है, आप जानती हैं मायरा को? वैसे शहरयार की अकलौती बेटी है, तो एक बार मिल चुकी हूँ मैं उससे। लड़की साथ हो, अकेली हो, किसी मर्द का साथ नहीं, यूं इज्जत खराब कर सकता हूँ तुम्हारी मैं। यही सो गई थी मैं। चलो मैं कपड़े फिर बदल लूं। हसन, तुमने अपनी जिंदगी का हर फैसला खुद किया है। क्या आज तक कोई फैसला गलत साबित हुआ? नहीं, मगर ये फैसला तुम्हें बहुत सोच समझ कर करना होगा। मैंने सोच लिया, मैंने अब मुझे मजीद कुछ नहीं समझ। नूर एक अच्छी लड़की है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन हसन, नूर मायरा के दोस्त है, उसके साथ रहती है, इससे ज्यादा हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। और मैं इससे ज्यादा मैं कुछ जानना भी नहीं चाहता। नूर एक अच्छी लड़की है, सुलझी हुई लड़की, अपने दिल में कोई बात नहीं है, मुझे एक ऐसे ही लाइफ पार्टनर चाहिए। देखो हसन, मैंने कभी भी तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, बिकॉज उसमें तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ज्यादा है। लेकिन पर्सनल लाइफ में मेरा तजर्बा तुमसे कहीं ज्यादा है, और मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में आकर मेरा बेटा कोई गलत कदम उठा ले। इसलिए प्यारी मामा, ऐसा कुछ नहीं हो, काफी लड़कियों से दोस्ती रही है, मैं जानता हूँ लड़कियों, आपको नूर से अच्छी बहू नहीं मिलती। लेकिन अपनी माँ के कहने पर एक दफा फिर सोच लो। अगर आप कहती हैं तो थोड़ा वक्त ना और, अब तो खुश है ना?
ये लें अंकल, गर्मा गर्म है, पी लें। क्या है भाई? सूप। मगर तुम तो खाना बनाने का कह रहे थे। हाँ वो भी तकरीबन तैयार है, मैंने सोचा पहले आप थोड़ा सा सूप पिलाऊं, कल आप पीकर तो देखें, सूप पसंद आएगा तो यकीनन खाना भी अच्छा ही बना होगा। चलो देख लेते हैं। अरे वाह भाई, ये तो वाकई बहुत अच्छा सूप बनाया। ये तो बताओ तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीख लिया? अरे इतने अरसे से अकेला रह रहा हूँ, अपना खाना पीना खुद ही करता हूँ, तो सीख गया। भाई मेरा तो ख्याल है कि अब तुम यहीं रहो और यही सब कुछ कर लिया। मतलब मैं यहाँ रहूंगा और आप लोगों के लिए खाने बनाऊंगा। हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? और भाभी क्या करेंगे फिर? भाई जब तुम सब कुछ ये संभाल लोगे अपने हाथों में तो भाभी साहिबा तो जाहिर है कि फिर आराम ही करेंगी ना। मेरा दोस्त यासिर ये मुझे करने नहीं देगा। क्यों नहीं करने देगा? मेरा बेटा है, मेरी बात से इनकार कर सकता है? ये मेरे हाथ, गलती हो गई मुझसे, ये सब मैंने नहीं बनाया। अच्छा जी जी, सबको मैं होटल से लेकर आया। ओ तो ये बात है। मैं यार सर किधर फंसवा दिया यार। क्या अंकल? अरे बेटा मैं ये सब मजाक कर रहा था। इसका मतलब मेरी जान बच गई? लेकिन सूप तुमने वाकई अच्छा बनाया। इसे खत्म तो करें अंकल। जितना जी महाराज, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं कल आपकी तरफ शक्ल लगाऊंगा। तुम अभी आ सकते हो? अभी? सब खैरियत? नहीं, असल में मैं नूर को घर पर छोड़ के गई थी, कुछ सामान लेने गई थी, वापस आई तो वो घर पर नहीं है। और कितनी देर हो गई इस बात को? काफी देर हो गई है, तो एक घंटे से ऊपर ही हो गया। हो सकता है किसी अर्जेंट काम से गए हो। ऐसा भी क्या अर्जेंट काम आ गया, मुझे हमेशा बता कर जाती है वो, उसका मोबाइल यहीं पर है, पर्स भी यहीं है, और जब मैं वापस आई तो गेट खुला हुआ था घर का। अगर ऐसा है तो वाकई परेशान कौन बात है। क्या करें अब शाहिद, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। आप रुके, मैं वहीं आ रहा हूँ। और हाँ, आप घर के सारे दरवाजे बंद कर लें, मैं जब तक ना आऊँ आप दरवाजा मत खोलिएगा किसी के लिए। ठीक है, जल्दी आ जाना। जी बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? सब खैरियत है? लाइट ठीक रही तुम्हारी और होटल वगैरह भी ठीक रही? अच्छा देखो बेटा, मौसम चेंज हुआ है तुम लोगों के लिए, तो अपनी तबीयत का ख्याल रखना, कहीं खराब ना हो जाए। ठीक है? हाँ हाँ बेटा मैं ठीक हूँ और शाहिद भी ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है। आज उसने खुद अपने हाथों से मुझे बेहतरीन खाना बना कर दिया, बहुत नेक बच्चा है, अल्लाह उसे खुश रखे। अच्छा अब खुद ही बातें करते चले जाओगे, मेरी बहू से भी बात कराओगे या नहीं? वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा देखो बेटा, अपना भी ख्याल रखना और समझ रही हो ना, आराम से रहो, खुश रहो, मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ। ठीक है, कल फोन कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।
कौन? नहीं कहां गई होगी वो? परेशान नहीं हो, आ जाएगी अभी। नहीं, जिस तरह मेरा दिल घबरा रहा है ना, मुझे लग रहा है वो किसी प्रॉब्लम में। अच्छा, कुछ सोचने से पहले आप मुझे ये बताएं कहीं वो ऑफिस वगैरह में तो नहीं गई? नहीं, पर अगर इतना कोई अर्जेंट काम होता तो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती। बाल बाबा से बात की आपने? हाँ, सिर्फ पूछा, वहां पे भी नहीं है वो। कोई और जगह जो उसने आपको कभी बताई हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो किसी प्रॉब्लम में होगी। सर आप बता रही हैं उसका मोबाइल भी यही है और पर्स भी यही है और बाहर से दरवाजा भी खुला था, कोई अच्छे सिग्नल नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बताओ क्या कह रहे हो। राहिल, ये डर है कि कहीं राहिल ने उसको। राहिल मुझे मिला था, उसने बहुत बदतमीजी की थी मुझसे और उसने मुझे मेरी अकड़ तोड़ने की धमकी भी दी थी। What? और आपने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? भूल गई थी मैं। उसने महानूर को किडनैप करने की धमकी दी थी। महानूर को? जी हाँ, महानूर नहीं तो नूर। My God, ये राहिल इतना बुजदिल इंसान है, क्या करेंगे हम? परेशान ना हो। और क्या करूं मैं? तासीर भी नहीं है। ओह माय गॉड, मैं अंकल को घर में अकेला छोड़कर आया, कहीं राहिल वहां ना। तुम जल्दी से कॉल करो ना उन्हें। हेलो, तुम कहां हो? तो मैं इस वक्त मायरा के घर पर हूँ। मायरा के घर पे? क्यों? कल कुछ भी खरीद दिए, अब वक्त जाया किए बगैर यहाँ आ जाए। अरे मुझे कुछ बताओगे भी कि क्या मसला है, क्या हुआ आखिर? कल वो शाम से गायब है। क्या गायब है? मगर कब, कैसे, क्या हुआ? कल कहाँ गायब है, कैसे है, मैं आपको सब बता दूंगा, अब प्लीज वक्त जाया किए बगैर यहाँ आ जाए। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कल यहाँ आ रहे हैं और प्लीज आप राहिल के बारे में उन्हें कुछ भी मत बताइएगा। राहिल का नंबर ऑन हुआ? बर्बाद है उसका। मैं नहीं जानता जिंदगी ने तुम्हें कितने दुख दिए हैं, तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू क्यों दिए हैं। तुम्हारे जबरदस्ती मुस्कुराते चेहरे के पीछे खामोश उदास चेहरा देखा है मैंने। मैं सच में
सच में तुम्हें हंसते मुस्कुराते खुश देखना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें तुमसे मांगूंगा। बेटा जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ अजीब से हालात हो गए। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। पहले यासिर पर फायरिंग और फिर नूर का यूं गायब हो जाना। बेटा हमारी तो कभी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं रही। दुश्मनी होते टाइम थोड़ी लगता। यहाँ पर तो दोस्ती सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। नहीं बेटा बताओ मुझे क्या कहना चाह रही हूँ तुम। देखो बेटा मैं तो नूर की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हूँ। उसकी जान और उसकी इज्जत खतरे में है। मुझे बताओ आखिर वो कौन दोस्त है। अंकल राहील है वो। नूर उसी के कब्जे में। उसकी जान खतरे में। पता नहीं कहाँ लेकर गया वो। उसे खुदा के लिए कुछ करें किसी तरह नूर की जान बचाए। बेटा यकीनन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। राहील राहील तो मुझे कोई गलत फहमी नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ कि राहील ही है वो। राहील मगर वो तो यासिर और शाहिद का दोस्त है ना? है नहीं था। मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि उसी ने नूर को किडनैप किया और यासिर पर भी तो उसी ने। यासिर पर? वो क्या बताओ मायरा यासिर पर क्या? बोलो मैं। अंकल कुछ नहीं। नहीं कुछ जरूर है मुझे बताओ तो। तुम जरूर मुझसे तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ यासिर को क्या? बोलो मैं। कल हाँ हाँ बताओ मुझे सब कुछ बताओ। कल राहील ही है वो जिसने यासिर पर फायरिंग की थी। क्या राहील ने? जी हमने FIR भी राहील के नाम की ही कटवाई थी। आपको बताया नहीं हमने ना फिर बस ये बताया कि नामालूम अफराद के खिलाफ निकाली हमने। लेकिन बेटा राहील ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ये तो एक बहुत लंबी कहानी। बेटा अगर नूर सचमुच राहील के कब्जे में तो मुझे सच सच बताओ बेटा उसकी जान खतरे में। मानूर के पापा उसकी शादी करवाना चाह रहे थे सर से लेकिन मानूर ने मना कर दिया। इसकी वजह से वो बहुत खिलाफ हो गया इसके। और चर्चे के बाद उनकी शादी यासिर से हो रही थी तब भी उसने आके बहुत बदगुमान किया। मुझे रास्ते में भी मिला था उसने बहुत बदतमीजी की थी मेरे साथ और धमकियां दी थी मुझे। गुस्सा दिला दिया ना तुमने। इतना बुरा इंसान नहीं दिल का बहुत अच्छा हूं। जो कहोगी ना वही करूंगा। मेरा मशवरा मान इससे दूर रह। कहीं ऐसा ना हो कि किसी लड़की के पीछे तेरी जान को नुकसान हो जाए। वो लड़की मेरी बहन जैसी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत भागना चाहती हो यहां से? बहुत गलत किया तुमने। बहुत गलत किया तुमने। तुम्हारी इस गलती की ऐसी सजा दूंगा कि पूरी जिंदगी याद रखूंगी तुम। किस कदर